हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, या फिर आपके बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम टोटली प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हैं। अभी मैंने काफ़ी लेक्चर पहले भी करवा दी है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैं वो सभी करवा रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सॉइल फॉर हेल्दी एंड विग्रस ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बेस्ट सॉइल फॉर हेल्दी एंड विग्रस ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज पौधे के स्वस्थ और विग्रस का मतलब होता है जोरदार के लिए मिट्टी, मतलब सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है पौधे के ग्रोथ के लिए, मतलब विग्रस ग्रोथ के लिए, जोरदार ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लेम सॉइल, ये सॉइल है यहाँ पर, ठीक है सॉइल। ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्ले, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैम सॉइल। जो लैम सॉइल होती है ना, वो पौधे के स्वस्थ और मतलब उसको स्वस्थ रखने के लिए और सबसे अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी यही होती है। कौन सी होती है? लैम सॉइल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर क्या होंगे? मिनरल्स, सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक मैटर, काफ़ी मैटर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एचएससी के अंदर है ना 2 से 3 बार पूछा गया है। एक्टिव अब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय, सक्रिय अवशोषित से प्रभावित है, सक्रिय अवशोषित से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एसोसिएट टिश्यू स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सकिंग कैपेसिटी ऑफ रूट हेयर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। एक्टिव अब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स वाटर सप्लाई इज ड्यू टू पौधों में पानी कहाँ, मतलब कैसे पहुँचता है, किसके द्वारा पहुँचता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इनहिबिशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ग्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एडेसिव फोर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोसिस। तो जो पौधों के अंदर पानी की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट टेक्स प्लेस थॉट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट टेक्स प्लेस थॉट पानी और लवण, इसका क्या मतलब होता है? सॉल्ट्स को हिंदी के अंदर हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लवण। पानी और लवण का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फ्लोयम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जाइलम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सीव ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्क्लेन काइमा। तो पौधों के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का परिवहन होता है, यानी कि पानी का और सॉइल यानी लवण का, सॉरी सॉल्ट का, लवण मतलब लवण का परिवहन होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल, प्लाज्मा झिल्ली नियंत्रित करती है, किसको नियंत्रित करती है?
तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैसेज ऑफ H2O यानी कि वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पैसेज ऑफ वाटर एंड सम सॉल्यूट्स इन द आउट ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पैसेज ऑफ H2O एंड सॉल्यूट इनटू द सेल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मूवमेंट ऑफ द सेल कंटेंट आउट ऑफ द सेल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो प्लाज्मा झिल्ली है किसको नियंत्रित करती है, पैसेज ऑफ H2O मतलब वाटर एंड सम सॉल्यूट्स इन आउट ऑफ द सेल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल मूव आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, द प्रोसेस बाय विच लार्ज मॉलिक्यूल मूव आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें कोशिका में अणुओं को बाहर निकाला जाता है, बड़े अणुओं को बाहर निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डी प्लाज्मोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रिवर्स फेगोसाइटोसिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्स फेगोसाइटोसिस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फैगो का मतलब होता है ईटिंग सेल, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है मतलब कोई भी लिक्विड है ना जब कोशिका के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। सिर्फ इस सिंपली मतलब ये सिंपली टर्म याद रखिए क्योंकि काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। मैंने वैसे फैगो का मतलब का मतलब होगा सेल ईटिंग सेल, मतलब ईटिंग सेल, कोई भी सब्सटेंस जब सेल के अंदर जाएगा तो उसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऐसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल क्वेश्चन मतलब ऐसा ही सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है ना, आपको और भी देखने को मिलेंगे उसके अंदर है ना, कुछ और पूछ रखा होगा क्योंकि आंसर मोस्टली यही मिलेगा आपको फेगोसाइटोसिस, लेकिन पूछने का तरीका आपको डिफरेंट मिलेगा आने वाले क्वेश्चंस में, मैं वो करवाऊंगी। लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों एसएससी पूछा गया है, क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया और पूरी पॉसिबिलिटी है कि सीटी में भी आ सकता है क्योंकि हमें पूरी तैयारी रखना है, पेपर चाहे जैसा भी आए तैयारी करेंगे अपनी ओर से अच्छे से करेंगे हर सब्जेक्ट को, जो भी आपके बहुत को और भी अच्छा कीजिए, जो आपको लगता है कि ये मेरे वीक है तो उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस की अच्छे से पढ़िए, डाउट सारे क्लियर कीजिए किस टीचर से जिससे पढ़ते हैं। तो बायो के डाउट लगभग बहुत मतलब बहुत रेयर ही होंगे क्योंकि मेरे को पता है कि बायो हमारी मतलब हम साइंस को छोड़ देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते भी है जिनका सिर्फ साइंस सिलेक्शन भी रुक जाता है क्योंकि वो साइंस अच्छे से पढ़ते फिर सोचते हैं कि हमें साइंस नहीं आती, लेकिन इतनी कल्ट नहीं होती, आप समझ के कीजिएगा। से करवाती हूँ तो बायोलैंग्वेज ना आप हिंदी में होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हिंदी में साइंस बहुत ज़्यादा इजी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बायोलैंग्वेज कीजिए आपको तब इजी लगेगी। तो इसलिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है दोस्तों कि आपके हर क्वेश्चन को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ समझा पाऊँ, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना ध्यान से वीडियो को सुनते हैं देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे या मतलब कि कमेंट में भी आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो मैं वो फिर से करवाऊँगी अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस इज डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच, ऑस्मोसिस इज डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच, प्रासरण को किस प्रक्रिया में परिभाषित किया जाता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है प्रासरण, प्रासरण को किस प्रक्रिया में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वाटर डिफ्यूज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सॉल्यूट्स डिफ्यूज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन टेक्स प्लेस,
ऑप्शन नंबर डी है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है, तो वो कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन से होगा, मतलब कम सांद्रता वाले क्षेत्र से ज़्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र में होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये एक क्वेश्चन समझते हैं तो आपको इससे दो से तीन क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, क्योंकि एक्स जो आगे वाला हमारा क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, काफ़ी सिमिलरिटी भरा क्वेश्चन है, तो समझिएगा कि मैं मतलब क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का डिफ्यूज होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र तक होता है पानी का डिफ्यूज़र, ठीक है, सॉरी पानी डिफ्यूज़ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज, इसके अंदर यह पूछा गया है कि गैसेस को, तरल को, लिक्विड यानी तरल, सॉलिड मतलब ठोस, इन सभी अणुओं को हाई कंसंट्रेशन यानी कि उच्च सांद्रता से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक हम जब लेकर जाते हैं तो जो वो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिफ्यूज़न, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इवापोरेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑस्मोसिस। तो आपने अभी अभी ऑस्मोसिस को किया है, ऑस्मोसिस के अंदर क्या था कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होएगा वाटर डिफ्यूज, ठीक है, तो ऑस्मोसिस में तो ये होता है और इससे उल्टा होता है डिफ्यूजन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप उल्टा कर दो कि वाटर का कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर अलग स्टेटमेंट अलग है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें गैसेस, लिक्विड और सॉलिड मतलब तीनों का पूछा गया है, उसमें सिर्फ वाटर का बताया गया था, इसमें तीनों का पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा कि ठोस, तरल और गैस को, इन सभी अणुओं को हायर कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक हम जब लेकर जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे हम डिफ्यूज़न, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करोगे तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी सा ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो इसके लिए हम थ्योरी बैच लेके आ रहे हैं स्पेशली बायोलॉजी का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो भी आपके बायोलॉजी में, जितने भी आपके एचएससी के अंदर पूछे जाते हैं, जो भी आपका टोटली सिलेबस है वो टाइम टू टाइम से कवर होगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको सब कुछ मिलेगा, साथ में ही आपको पीडीएफ भी मिलेगी, जो हम करवाएंगे उनकी पीडीएफ भी मिलेगी, क्वेश्चंस की भी मैंने पीडीएफ बनवा रखी है, अगर किसी को भी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं उनको सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, बहुत जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में, सभी रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह किसी और की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट का मतलब जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही क्वेश्चन बनाती हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए, तो मैं भी थोड़ा सा ये चाहूँगी कि आप मेरे को रिस्पॉन्स दें, ताकि आपके रिस्पॉन्स जब आते हैं ना तो मेरे को ये लगता है कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ, और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ अपना बेस्ट से बेस्ट देने का, और इससे भी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, इससे भी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, हर चीज़ को कवर करते हुए हम चलेंगे। तो बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।